दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी में स्थित मसानी बैराज पर करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ा पर्यटन स्थल बनाए जाने पर दो वर्षों से काम किया जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे और बैराज पर बनाई जा रही झील का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके के लिए बड़ी सौगात है क्योंकि इसे दो वर्षों में जल स्तर में सुधार हुआ है और खारा पानी भी मीठा हो गया है। मंत्री ने कहा कि पर्यटक स्थल बनने से इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मित्रों देखो, ये प्रोजेक्ट वास्तव में तो एक फेल प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग एक बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। मसानी बैराज आज से कितने साल पहले बना था? 89 में बना सर, 86 में बना। 86 यानी 14-18-32 साल हो गए। 32 साल में जो प्रोजेक्ट, इसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाया गया और उन करोड़ों रुपये का कोई लाभ हमको हो नहीं रहा था। उसका एक कारण ये है कि जो मसानी ये जो नदी है, ये जयपुर से चल करके इसका पानी आता था, लेकिन राजस्थान ने जगह जगह पर उसके ऊपर बैराज बना लिए और उस पानी को उधर रोक लिया, इसलिए उधर से पानी आना बंद हुआ। अब बरसात का पानी आसपास का 2-3 शहरों का तो इसमें आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हमने ये विचार किया कि जो सरप्लस पानी है वर्षा के दिनों का यमुना में से, उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। 6 लिफ्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से इस पानी को ऊपर उठा करके और वर्षा के दिनों में इसमें हर पिछले 2 साल से हम इसको भर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी, गांव के सरपंच सब प्रसन्न थे। 9 पंचायतें ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हमारे गांव का पानी कहीं 10 फुट, कहीं 15 फुट, कहीं 20 फुट, 50-60 फुट तक भी ऊपर आया है और उनके पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी हुई है। पहले खारी पानी था, मीठा पानी हो गया। अब उनको ट्यूबवेल से सिंचाई करने में कम लेवल से यानी पानी को उठाने की सुविधा भी उनको हो गई है। इसलिए हर दृष्टि से गांव के लोगों को, किसानों को इसका लाभ हुआ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट इसमें हम कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट को ज़मीन हमने दी है, उसके अलावा जो बची हुई ज़मीन है उसके ऊपर भी कोई टूरिज्म के प्रोजेक्ट लाने की बात है, जिसमें 2 लेक बनेंगे। लेक के अंदर, लेक के आसपास लोगों को ठहर करके और कोई रेस्टोरेंट होंगे, खाने पीने के लिए उनको कोई जगह उपलब्ध करानी होगी, ठहरने के लिए भी कोई हट्स वगैरह का उपयोग करना होगा, वो भी करेंगे। क्योंकि हाईवे के ऊपर है और नेशनल हाईवे के ऊपर इस प्रकार का सुंदर स्थान जो कम से कम 400-500 एकड़ और हमारे पास अतिरिक्त है, उसके ऊपर हम ये सारी व्यवस्थाएँ बनाने वाले हैं। पिछले साल से साल भर हुआ ये व्यवस्थाएँ बननी शुरू हुई हैं, लेकिन आपको पता बड़ा प्रोजेक्ट है और सैकड़ों करोड़ रुपये लगा करके प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट में और आने वाले 2-3 साल के बाद इसका एक ऐसा स्वरूप बनेगा कि आसपास के लोगों को इसका लाभ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। टूरिस्ट को एक दिल्ली से जयपुर जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी यात्री हैं, उन सबको एक सुविधाजनक रास्ते में हाल्ट ये मिलेगा, जिसका सब लोग को लाभ होगा। पानी लाना सर बड़ी चुनौती है यहाँ पे, ग्राउंड रोड वैसे नीचे है, पानी आता नहीं, सूखा हुआ है। चुनौती को हमने स्वीकार किया, उसको पूरा किया है। कैसे करेंगे सर ये, क्योंकि अभी 2 साल कर रहे हैं, 2 साल से जब कर रहे हैं तो आगे भी होगा। वैसी सरकारें नहीं है जो पिछले सालों की तरह, पहले की सरकारों की तरह जो बोलते कुछ थे करते कुछ नहीं थे। हम लोगों ने तो बिना बोले ये आपको भर के दिखा दिया। 2 साल लगातार जो वर्षा का हमारे पास अतिरिक्त पानी था उसको यहाँ ला के दिखाया है। सिर्फ 2 साल में आ सकता तो आगे भी आएगा, लगातार आएगा। हमारे पास 2 महीने से लेकर 3 महीने तक यमुना में सरप्लस जो पानी होता है, उस सरप्लस पानी को यहाँ लाने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। आज जब सरप्लस पानी नहीं होगा तो फिर उन नहरों का पानी जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है उस हिसाब से जैसे पहले जाता वो जाएगा। यहाँ तो उन 2 महीनों में भी अगर पानी का लेवल हर बार 10-15-20 फुट या पानी आता है, कुछ इवेपोरेट होगा, कुछ पानी में रिचार्ज होगा, ज़मीन में रिचार्ज होगा, तो रिचार्जिंग के माध्यम से इस पानी का लेवल जब 2 साल में 15 फुट से लेकर के और 60 फुट तक ऊपर आ गया है, तो लगातार हर वर्ष इस पानी का इसी प्रकार से उपयोग करते रहेंगे। आगे चल करके इससे और कोई बढ़िया सुविधा हो गई, जैसे मान लो 3 शहर हैं, रेवाड़ी है, बावल है और धरवड़ा है, इन तीनों शहरों का जो गंदा पानी है उसको भी रिचार्ज, उसको भी करके ट्रीट करके और वो पानी भी इसमें डाला जाएगा, ताकि इसमें गंदे पानी का कोई स्कोप ना रहे, साफ पानी इसमें आए, इसलिए पानी का लेवल लगातार मेंटेन रहे। ये मसानी बैराज के ऊपर हमारी योजना है।